नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, हमारे विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ट्यूटोरियल स्टार्ट हुए हैं, जो कि टोटल हिंदी में रहेंगे और दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने देख लिए होंगे। और जो आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले आज पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप के बारे में, यानी कि जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप मैंने बताया जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप, और उसी से हम सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि नए प्रोग्राम में जा सकते हैं, डेस्कटॉप के आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं, वहाँ की थीम को बदल सकते हैं, डेट एंड टाइम को मेंटेन कर सकते हैं वहाँ से, और टास्क बार को मेंटेन करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, जब हमारा डेस्कटॉप दिखता है तो कुछ इस प्रकार दिखता है। मैंने बताया ये आइकॉन कहलाते हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार के आइकॉन होते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम के आइकॉन होते हैं, कोई शॉर्टकट के आइकॉन होते हैं, कोई फाइल के आइकॉन होते हैं, कोई फोल्डर के आइकॉन होते हैं, कोई मेन प्रोग्राम के आइकॉन होते हैं। तो सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के आइकॉन दिखते हैं, एक वीडियो उसका अपलोड कर दिया जाएगा आइकॉन कितने प्रकार के होते हैं। उसके अलावा आपको ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, नीचे देखिए आपको टास्क बार नजर आ रहा है। टास्क बार का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टार्ट बटन होती है। यहाँ आप सर्च बार देख सकते हैं, विंडोज 10 के अनुसार अगर देखें तो यहाँ आपको प्रोग्राम एरिया दिख रहा है। जो प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब स्टार्ट वाले या फिर मिनिमाइज है, वो भी दिखेंगे, और कुछ शॉर्टकट वहाँ पिन कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो मैं BLC को यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ, जैसे राइट क्लिक करें हमने और ये देखिए पिन टू स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे आएगा, और पिन टू टास्क बार कर दिए तो देखिए पिन टू टास्क बार कर दिए तो यहाँ पे आ जाए। ये देखिए, यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, अनपिन लिखा है ये देखिए अनपिन भी कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं ये प्रोग्राम एरिया में, और यहाँ शॉर्टकट में मतलब स्टार्ट बटन में भी कर सकते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप यूजर को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जो पीपल होते हैं आपके, जिससे मतलब जैसे शेयरिंग करना कोई चीज़ें, उसके अलावा आप देख सकते हैं साउंड, बैटरी, वाईफाई, या जो भी इससे रिलेटेड रहते हैं आइकॉन, मेन चीज़ें जो रनिंग रहती है वो आइकॉन यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है आपको। तो सबसे पहले तो बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कैसे सेट करते हैं। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हम देखिए, जब बीचों बीच में या कहीं भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप कहीं भी खाली जगह में अगर राइट क्लिक करोगे तो देखिए आपको शॉर्टकट मेनू नज़र आ रहा है। तो शॉर्टकट जो ऑप्शन होते हैं उनमें हम सबसे लास्ट में जाएंगे, पर्सनलाइज डेस्कटॉप, मतलब जो डेस्कटॉप है उसके अंदर हम पर्सनलाइज में जाएंगे तो देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहली बात तो होती है, आप पिक्चर रखना चाहते हैं, सॉलिड कलर रखना चाहते हैं, स्लाइड शो रखना चाहते हैं। तो अगर पिक्चर रखोगे तो देखिए, जैसे मैं यहाँ बदल देता हूँ, देखिए मैंने बदल दिया, और जब मैं मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको रखना चाहता हूँ तो देखिए ये भी चेंज हो गया है। उसके अलावा मैं चाहूँ ब्राउज करके रखना चाहूँ तो ब्राउज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। सॉलिड कलर में सिंगल कलर आएगा, स्लाइड शो में मल्टीपल पिक्चर एक एक करके स्लाइड शो में दिखेगी। अब ये जो पिक्चर होती है किस प्रकार प्रदर्शित हो, फिल हो, फिट हो, स्ट्रेच हो, और टाइल हो, और सेंटर हो, स्पैन हो, सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से वर्क करती है। जैसे पिक्चर छोटी है तो उसको फिट करके दिखाएगा मतलब, और स्ट्रेच है मतलब कंप्लीट विंडो में फिट करके दे, टाइल छोटे छोटे टाइल में दिखाएगा, फिल मतलब कंप्लीट फिल कर देगा, सेंटर मतलब अगर इमेज छोटी है तो सेंटर पर दिखाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, बैकग्राउंड की तो बात कर ली हमने, कलर हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए कलर किस प्रकार से प्रदर्शित करना है डेस्कटॉप के, लॉक स्क्रीन को कैसे मेंटेन करना है, देखिए ये आपके सामने लॉक स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या पिक्चर लेके आना, सारी चीज़ें हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। थीम मेंटेन कर सकते हैं हम यहाँ से, देखिए थीम कौन सी प्रदर्शित हो रही है, अभी ये नॉर्मल वाली, हम ये वाली प्रदर्शित करा सकते हैं। ये देखिए थीम हमारी चेंज हो गई। हम कैसे पता चलेगा कि थीम चेंज हुई है, ये देखिए जब हमारा जो पहले स्टार्ट बटन आती थी वो अलग टाइप की आती थी, परंतु अब चेंज हो गई है। तो थीम भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, किससे, यहाँ जो हमारा पर्सनलाइज वाला ऑप्शन खुला है वहाँ से। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो है आपके फॉन्ट नज़र आ रहा है, फॉन्ट को आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, और जो स्टार्ट है स्टार्ट बटन को भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, टास्क बार हो गया, तो टास्क बार में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि लॉक द टास्क बार, ये देखिए हमारा जो टास्क बार है मूव नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हाइट करना, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये बाद में हम देखेंगे सारी चीज़ें। हमने क्या देखे अभी, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज करके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना, थीम को चेंज करना, कलर को चेंज करना, और जो अलग अलग प्रकार से इफेक्ट है उसके बारे में देखें। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, जैसे देखिए हमने यहाँ डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के बारे में देख लिए, स्क्रीन सेवर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए, जैसे मान लो हमको बैकग्राउंड में, जैसे
लॉक स्क्रीन या फिर बैकग्राउंड में जाते हैं तो बैकग्राउंड में जाइए। यहाँ पे देखिए हम बैटरी की सेविंग भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मतलब जो पिक्चर जो है कितनी देर में हम प्रदर्शित कराना चाहते हैं, एक जैसे मल्टीपल पिक्चर है तो एक पिक्चर कितनी देर में बदलेगी, यहाँ 30 मिनट में बदलेगी लिखा है, सफल होगी नहीं होगी सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन का मतलब क्या है, थीम देख ली हमने, आप डेट एंड टाइम की सेटिंग देखते हैं। तो डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको यहाँ डेस्कटॉप में जो है डेट एंड टाइम की सेटिंग नज़र आ रही है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे यहाँ सेटिंग कर सकते हैं एक तो, और एक नहीं तो आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल सर्च कर लेता हूँ, ये मैंने कंट्रोल पैनल सर्च कर लिया। यहाँ देखिए डेट एंड टाइम आपको नज़र आ रहा है क्या, नहीं यहाँ पे ये देखिए ये दिख रहा है। अब यहाँ से आप देखिए तीन टैब आपकी खुली हुई है, तीन टैब में आप देख सकते हैं, पहला तो दिखा है डेट एंड टाइम जो डिस्प्ले हो रहा है वो देख सकते हैं, तो डेट एंड टाइम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी आप यहाँ चाहते हैं देखिए आगे बढ़ाकर पीछे करके सारी चीज़ें आप यहाँ से टाइम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर दोगे तो आपका डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा, और यहाँ जोन को चेंज कर सकते हैं। जोन मतलब होता है भाई हमारा इंडिया का जो जोन चलता है, मुंबई जो चारों महानगर होते हैं यानी कि चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, ये चारों महानगरों को ध्यान में रखकर और 5.5 घंटे जो ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री जो देशांतर होता है उससे 5.5 घंटे हमारा आगे चलता है टाइम, तो ये नज़र आ रहा है, तो ये हमारा टाइम जोन होता है। अगर चेंज करना तो कर सकते हैं। एडिशनल क्लॉक में हम यहाँ देख सकते हैं कुछ एडिशनल क्लॉक है इंटरनेट से संबंधित, यहाँ देख सकते हैं अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट कर दो ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आप देख सकते हैं देखिए टाइम को, ये कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन में टास्क मैनेजर मतलब जो नोटिफिकेशन आती है जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो टैबलेट मोड में आप देख सकते हैं विंडो 10 के अनुसार कनेक्ट कर सकते हैं कहीं दूसरे पीसी से, नेटवर्क देख सकते हैं, ऑल सेटिंग आपको देखना है या फिर जो सारी चीज़ें आपकी नज़र आई यहाँ से आपको क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ यहाँ से, और ये स्टार्ट बटन हो गई, स्टार्ट बटन में देखिए हमको ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सही चीज़ें दिख रही, हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, साइन आउट कर सकते हैं यहाँ से, हम शटडाउन वगैरह रीस्टार्ट और स्लीप मोड में डाल सकते हैं। ये टास्क बार हो गया, टास्क बार को कैसे मेंटेन करते हैं, अगर हम राइट क्लिक करके टास्क बार की सेटिंग में जाते हैं तो देखिए हमारे सामने वही वाला टास्क बार खुल गया जो यहाँ से खुला था। तो देखिए हम टास्क बार को लॉक कर सकते हैं यहाँ से, ऑटोमेटिकली हाइड करना तो अगर ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड होगा। टैबलेट मोड में दिखाना है तो यहाँ टैबलेट मोड दिखा सकते हैं, मतलब टैबलेट मोड में जब होता है तो टैबलेट मोड के भी हाइड कर सकते हैं। अगर आप क्या करोगे जो स्मॉल आइकॉन है उसका यूज़ करना चाहते हैं, देखिए छोटे छोटे आइकॉन हो गए और अगर ऑन कर दोगे तो बड़े आइकॉन हो जाएंगे। उसके अलावा आप चाहते हैं क्या जो पिक्चर है मतलब प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन योर मूव मतलब जो माउस मूव कराते हैं उस समय अगर आप डेस्कटॉप के प्रीव्यू को दिखाना चाहते हैं तो उससे आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम पे दिख रहा है अभी, हम लेफ्ट में कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट में आ गया है, ये टॉप में कर सकते हैं, उसके अलावा आप राइट में कर सकते हैं और यहाँ से बॉटम में कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारा था। उसके अलावा कंबाइंड टास्क बार बटन तो जो है ऑलवेज हाइड लेवल लेवल को हाइड कर सकते हैं व्हेन टास्क बार इज फुल, तो यहाँ से देखिए सारे जो लेवल है उसके साथ में प्रदर्शित हो रहा है नाम के साथ में, अगर हम यहाँ पे ऑलवेज हाइड कर देते हैं और हाई नेवर कर देते हैं तो देखिए कुछ काम नहीं करेगा। तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं पीपल शो होगा, उसके अलावा आप देखिए तीन पीपल नोटिफिकेशन, उसके बाद मतलब जो नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, साउंड प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप देख सकते सजेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टास्क बार किसका, विंडोज 10 का। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जैसे हम अगले लेक्चर में क्या देखने वाले हैं फाइल और फोल्डर को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में क्या जाना हमने जो मेन चीज़ है देख सकते हैं हम यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर हालांकि इसमें वर्क नहीं करता है, विंडोज 8 में हम 7 में हम काम कर सकते हैं इसमें, जहाँ हम राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर वहीं पे ये सारी चीज़ें आती है। डेट एंड टाइम को सेट करना हमने देखे और टास्क बार को कैसे मेंटेन करते हैं ये सारी चीज़ें हमने देखे। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक चैनल के पार्ट नहीं बने तो सब्सक्राइब करके चैनल के पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।